गलती करते जाओगे मार खा जाओगे। वो बदले तो वह बदले, अमल बदले तो आगमत बदले। ये क्या जाना कि आगमत बदल जाए अमल के बगैर, ये किसी फकीर की बात सुन ली। जब फकीर विवेकी औलिया इस्लाम इनके बस में यह है कि हल्की फुल्की नेकी करो मुआवजा पूरा मिल जाए, हल्के फुल्के गुनाह करो तो माफी मिल जाए, हल्के फुल्के तक ज्यादा नहीं। कोई आदमी है ना गुनाह है कबीरा, माफी दिलाने का किसी का दावा नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको बड़ी नेकी जाया हो जाए, खुद होके आती है। कई फकीर लोग जो ये करते हैं छोटी छोटी नेकी बताते हैं, देखो एक होता है लंबा नेकी कर लो बड्डी नेकी, पाकिस्तान को भी झंडा लगा लो ये नेकी होगी बड़ी, हिंदुस्तान को फतेह कर लो ये होती, छोटी नेकी कर लो चाहे माँ से भाई मांग लो बीवी को खुश रखो चाचा से भाई मांग लो चाहे माहौल ठीक रखो, अच्छे झूठ बोलना छोड़ दो किसी को गुस्सा ना दिलाओ और गुस्सा करो भी ना। ये नंबर इतने ज़्यादा बन जाते हैं ना कि वो बड़ी नेकी के बराबर है, छोटे छोटे काम गप्पा ना मारा करो झूठ ना बोला करो और अपने रिश्तेदारों के थानेदार से बन जाए करो, रिश्तेदार रिश्तेदार दोनों रिश्तेदार नहीं तो मेरी बात आदमी ने समझाई, तू रिश्तेदार है वो भी रिश्तेदार है बड़ी बढ़िया है। मकसद है कि तुम किसी को मजबूर करो कि भाई सलाम कर, सलाम करें बस सलाम कर, उनको सजा के तौर पर सौ दफ़ा सलाम करो, उन्हें सजा यही है कि तुम भी सौ दफ़ा जवाब दो उसको, तो क्या सलाम करो वालेकुम सलाम, कुछ तो तकलीफ तुम्हें करनी पड़ेगी। जो आदमी रिश्तेदार होने का हक लेता है फोकियत का, वो दूसरे रिश्तेदार को हक देता नहीं फोकियत, इसलिए न वो बदलेगा न वो बदलेगा आगमत नहीं बदलेगी। एक आदमी जो ये कहता है कि मैं इस्लामी किसान के नाम पर औरतों को सिखाते वो बताओ दाड़ी, इस्लाम में औरत के हकूक भी लफज है ऊपर चक्कर मियाँ के जिम्मे जो है इसको इसकी ख्वाहिश के मुताबिक थोड़ा आज़ादी थोड़ा खर्च, खर्च भी आज़ादी के साथ और आज़ादी भी आज़ादी के साथ। और हज़ूर पाक ने फरमाया कि इसको झूठ की इजाज़त दे दी हज़ूर पाक, दो जगह किस जगह पर दो जगह, एक जगह ये इजाज़त दे दी कि जान बचानी हो ना झूठ बोली, और इसको खुश रखने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो दे दी झूठ बोली, बाकी इजाज़त नहीं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप, शायद लिए हैं अच्छा माशाल्लाह, आप भी यहाँ, वो किधर है दूसरे भाई हैं जी, वो नहीं आए, अच्छा उनके तो इंतजार करते रहे पिछले साल से, राय क्या नाम अमन बाबू का नाम हैं न्याय अहमद साहब, वो देर से आते हैं अच्छा उनको बता देना। तो ये बुजुर्गों ने बताया कि बड़ी नेकी न मिले तो छोटी नेकी पाइलर करो, मतलब एक बहुत बड़ी नेकी नहीं है अभी जिस मुलाजम ने गलती की है आपकी उसे माफ़ कर दो, चल बल का आदमी ने लगाया था वाला आप ही ने नाज हो गया अल्लाह का हुक्म बजा आया, क्या हुक्म है बल का आदमी ने लगाया था वाला आप, और किसी का एहसान कर दो बल्ला ये बिल मौसम गुलाम अगर आकर से कहे कि उसको सजा करो माफ़ कर दो माफ कर दो एहसान भी करो, ओके जा तुझे आज़ाद किया एहसान किया है चोर के घर में आ जाए माफ़ कर दो, अगर कर सकते हो तो माफ़ कर दिया गुस्सा भी नहीं आया माफ़ कर दिया, और एहसान भी करना है उसे पूछे भाई क्या पैसे की जरूरत है इस पिछले दफा से क्यों आया आगे से आना सुबह सौ दो सौ रुपये की जरूरत ले जाना किसी ज़्यादा की जरूरत भी फिर हम बात करेंगे। मतलब इंसान बनने में देर नहीं लगती फैसला करना पड़ता है, इंसान दूसरे नहीं बनना आप से बनना है, किसने बनना है भैया आपने बनना है इंसान, तुम दूसरे को बनाते रहते हो वो दूसरे को इंसान नहीं बनाना, आपने आप बनाना है, दूसरे तो इस सफर पर है नहीं दूसरे को फकीरी करा है, वो आदमी जो दूसरे को इंसान बनाना चाहता है और आप नहीं बनता बड़ा सब झुका दें शक्त समझ में दो दफा कहा अच्छा क्या वो झुका जो दूसरे को इंसान बनाना चाहता है, अगर तुम इंसान बन जाओ तो दूसरे खुद ब खुद इंसान बन जाता है। मिसाल कि एक आदमी एक दफ़ा बड़े कतल की नीयत से तलवार लेकर
हजूर की तरफ गया, ऐसा है वाक्य है। और हजूर पाक जब देखा, आपने भेज गया अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो आप पर, तलवार के लिए। तो जो शख्स हमें सलामती दे रहा है उसको हम गैर सलाम कैसे करें? बात है भाई, और गैर सलाम नहीं कर रहे तो अगर तुम दोस्त को सलामती दे दो तो तुम्हें भी सलामती। मतलब ये इस्लाम ने आसान बात सिखाई है, रूहानियत की बात नहीं है, पर यही रूहानियत है। रूहानियत का मतलब है कि दूसरे का हक दे दो, आप अपना हक अल्लाह से जाके लेना। ये मुश्किल है समझी बात, क्या कहा? दूसरे का हक दे दो, हाँ अल्लाह से करने का मिला हमें, हक अदायगी का इनाम मिला। क्या मिला हमें? हक की अदायगी का इनाम मिला। तो हक अदा करो, तुम हक अपना मांगते हो और उसके गरीब के पल्ले कुछ नहीं डालते हो, जिसके जिम्मे भी है तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसका भी हक अदा करो। इसलिए हम ये देखते हैं कि 90% गिला करने वाला निकल ही जा रहा है। क्या कहा? 90% गिला करने वाला, रंजिश प्लान करने वाला जालिम मत हो, जुर्म की कहानी सुनाने वाला जालिम मत हो। किसी कमाल का नहीं, मतलब जुर्म का नहीं, वो तजिया कर रहे थे तो आप जालिम होगा, फर्क आ रहे हैं। बदनाम भी करता है, जुल्म भी करता है, और डाटा आदमी मारता है तो रोने भी देता है। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि तुम डाटे बंदे न बनो। क्या बनो? मिस्कीन बनो। चलो क्या हुआ, एक ही जन्म मिस्कीन ही रहती नहीं है, पहले और जिंदगी रहेगा कोई और जन्म आ जाएगा कि दो चार कतल की तो जरूरी ना। कतल जानी कि तलवार से कतल कर दो, बंदूक से कतल कर दो, कतल आए कि दूसरे को बात कतल कर दो, बोलने दो, ऐसी बात करो कि वो बोले नहीं सके, या दूसरे को भरे बाजार में झूठा साबित करो। झूठा था, क्या था वो? झूठा था, लेकिन तुमने सितारुल युबी का सबक सीखा है। क्या सीखा है? सितारुल युबी का मतलब कि गुनाह पर पर्दा डालना, तो उससे जाने को लगा जिसके पर्दे उठाते। जो शख्स एक बार किसी आदमी की गलती को देखे अपनी आंखों से गुनाहगार और उसमें पर्दा डाले रखे, कहते हैं उसके गुनाह क्यामत वाले दिन देना अच्छा रहा, अच्छा नहीं किए जाएंगे, नशा नहीं किए जाएंगे, ऐलान नहीं किए जाएंगे, वीडियो उसके सिर नहीं लगेगा उसका, क्योंकि इसने पर्दा रखा। पर्दा रखने वालों का पर्दा रखा जाएगा, ये पैगाम है। क्या कहा? हक देने वाले को हक मिलेगा, यहां से मत मांगो। अच्छा, किसी इंसान को अपने वजूद के कुर्ब की वजह से कुछ छोड़ता ध्यान करो। कैसे? एक होता है वो, क्या होता है? गुलाब, गुलाब देखो, अब गुलाब जो है वो बेजान समझ लो, लेकिन जब किसी करीब गुजरे खुशबू दे जाता है और दूसरे को खुश कर जाता है, महसूस कर जाता है। तुम ऐसे इंसान बनो कि जब किसी करीब से गुजरो तो कोई फायदा तो दे जाओ ना, जब भी जिसके पास से गुजरे तुम तो परेशानी क्या उसको, अस्तक फुल्ला अस्तक होता हो बजाओ, जिसके साथ गुजरे हो क्या किया, परेशान किया। जो तुम्हारे साय में आया वो अजाब में आया, जो तुम्हारे साथ वाबस्ता हुआ उस पर क्यामत ही गिरी। किसने कहना मन तब का दाब, कहना मन तब का दाब। तुमने किसी को सौखा रहने नहीं दिया तो चाहते क्या हो? अल्लाह मियाँ फटाफट जा रहे हैं, या अल्लाह जो मेरे नाम कहते जो करके आया वही ले लो। ए ए कुरान की बात है, जो मैं जंजर मरो पढ़ो, जो मैं जंजर मरो माँ कदम जता इन्ना अंजर ना को मजाबन करीब, ऐसे नहीं याद इन्ना अंजर ना को अजाबन करीब, डराते हैं हम उस अजाब से। अल्लाह डरा रहे, तो अल्लाह डराए तो डाक्टर सर होना चाहिए आपके साथ। अल्लाह हसन साहब इंदा अंजर ना को मजाबन करीब, वो बड़ा करीब है दाव, जो मैं जंजर मरो माँ कदम जता, जबकि इंसान देखेगा जो कुछ उसने अपने हाथ से भेजा आगे, और वही ऐसा होगा मुझे खूल का हो या ले तो नहीं खूलते थे आप, और कब लोग क्या कहेंगे या ले हम मिट्टी होते आगे तो बोलते थे आगे जब हमने भेजे हुए हाथ से। लहरा जो हाथ से भेज रहे हो अपने लवाहकीन के जरिए, किसके जरिए? कुछ नौकरों के जरिए आप भेजते हो अजाब, अपना अजाब की चीज़ नंबर एक, नौकर को डांट डबल करके उसको रुला दिया तो साफ काट दी, ये अजाब नंबर एक है। पूछा कि चीज़ें साहब की पहुँचाया तुम बार बार रोते रहते और सात चिट्ठी बीज भेजी उसमें मोहर मुहर के तो तख्ते ला दिए, बाहर का हाथ नहीं है उसका, हर काल तोड़ा हर काल तोड़ा हर काल तोड़ा हर काल तोड़ा ना, अब वो चिट्ठी वो भेजे चिट्ठी से जिनके नाम असली नाम, या अल्लाह तूने मेरे किस अजाब में डाला है
चिट्ठी गई वो अलग बात मफसूस है, दर्ज हुआ इंदिराज के नाम। आपको पता क्या है इंदिराज, इंदिराज जानते हो कभी आपके नाम चिट्ठियां हुई हैं? पढ़ो ये चिट्ठी, इतने बंदे तुम पर नाराज हैं और रो रो के चिट्ठी भेजी, इसके बदले तुझे सजा याद ये है कि उनको राजी कर, या फिर चल जा सूली से, उन्हें राजी नहीं होना चूंकि तुमने राजी नहीं किया। अब ये अजाब बन गया, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे अजाब का पास होने कामयाबी क्या थी, उसको डरा दिया, धमका दिया, शराब कर दिया, खबर हो गए और बन गया क्या अजाब। फिजिकली लोग इस्तेमाल करते हैं छेड़े छोड़े नहीं, तो मैंने सुना है अल्लाह मुझे माफी दे, ये सुना है कि लोग बच्चों को मारते, उस्तादों को मैंने सुना है कि उस्ताद मार दें, अब बता मार दें डॉक्टर, कुछ मैंने सुना खावन अपनी बीवी को मारते, आपने कभी सुना कानों में शीशा नहीं पकेंगे, चलो उसको छोड़ो उसे मार दें, इस महफिल में कोई ऐसा आदमी है जिसने कभी मारा है कोई ऐसा भी आप कभी खाया ऐसा काम नहीं करेगा। फिर आप देखो बागवान के पास चली गई, चलो नहीं करेगा या नहीं करने देगा, है कोई ऐसा आदमी जो कहता मैं गुस्से हुआ था होता था अब मैं गुस्से नहीं होगा, कोई आदमी ऐसा है करते मेरे साथ वकील को जाया करते बिगाड़ जा, इधर क्या कोई मेला ना कहो कहना तुमने मानना नहीं है। हाँ ये कहो कि हम आइंदा अपने लबाए की पर अजाब नहीं बनेंगे, क्या कहे तुझसे पहले वादा करोगे क्या है हम अपने लबाए की पर अजाब नहीं बनेंगे, थोड़ी चीज बताओ अपने लड़ाई की पर अपने अजाब नहीं बनेंगे, तुझे बोलो इंदा लिल्ला है पहले पढ़ लो आज बोलो हम किसी पर चढ़ाई था बोलो हाँ अजाब नहीं बनेंगे, हमने सबको माफ कर दिया, हमारे दाम से किसी को तकलीफ न पहुंचेगी इंशाअल्लाह वादा, बड़ी महफिल की मजाक के अंदर अच्छा बाकी लोग भी समझ लेंगे, अब बाद बाहर से पूछते रहो अच्छी बाजी लगती बच गए बाकी लोग अच्छा क्या हो गया, इंदर से बहुत खुश हो गए सारे लोग कि शुक्र है ये बात हमारे तक दी, बड़े खुश हो रहे हैं मसूर हो रहे हैं, ये सबके लिए बात है इबादत, इबादत यह है कि हर वक्त अल्लाह के ख्याल में रहना, इबादत क्या है हर वक्त उसके ख्याल में रहना ये इबादत है, उसके बचाए हुए शरीयत के कानून के मुताबिक चलना और उसकी याद में रहना, याद जो है ना बहुत खत्म, जो मसाइल हैं उसको उसकी राह में इस्तेमाल करना, जो ख्याल है उसकी राह में इस्तेमाल करना, इंसानों के साथ देख शुरू करना। अब यह इब्तदाई बातें हैं शुरू की बातें हैं इसको सोचो, बाकी रहा असली जो रूहानी क्या है, रूहानी ये है कि इस जिंदगी को उस जिंदगी से ज्यादा दूर न रखना, क्या है जिंदगी को जिंदगी से ज्यादा दूर न रखना, उस जिंदगी के बारे में कुछ पता है, उस जिंदगी में कोई आदमी किसी के खिलाफ अमल नहीं कर सकता, खत्म हो गया अमल, खत्म हो गया जिंदगी में हम मतलब कर दो, उस जिंदगी में ऐसा हो सकता है इसलिए ऐसा कर दो, तो गोया के जमीन से ऊपर का किरदार और जमीन के अंदर जाकर जो किरदार रहा उन्हें बराबर कर दो, ऐसे रहो जैसे नहीं हो, क्या कहा डॉक्टर साहब ऐसे रहो जैसे जैसे नहीं हो, लोग मार देंगे लोग खा जाएंगे खाने दो, अभी अल्लाह ने बचाया हुआ है तुम तो कोई खा सकते, मैंने पहले बताया कि शिकरे हो जाए बाज इकट्ठे हो जाए सारे शाहीन इकट्ठे हो जाए क्योंकि आप इस जगह जिंदा रहेंगे, बचाने वाला बचाता है, वरना कोई चीज कमजोर आपको दुनिया में मिलती ना, बड़े बड़े बादशाहों के जमाने में वो बूढ़ी माई जब जिंदा थी जो आपकी क्या कहते हैं नौशीरवान को, नौशीरवान की माई जाए बल पीछे ले जा मेरी कुटिया खराब हो रही है, नौशीरवान के बाद वो लन दिल में खौफ डाले माई ये जान कर इसको छेड़ा तो बर्बाद हो जाओगे, उन्होंने कहा माल के लगा कि माई की झुग्गी नहीं खराब करनी, मेरे बदले में अपने आप में कोई छोड़ सकती हिम्मत पैदा करो कोई कुवत पैदा करो अपना मकाम तैयार करो लोगों का मकाम दो तुझे भैया। हाँ आप बोलो अब सवाल तो क्या कहते हैं सवाल क्या हो गया सवाल फिर हो गया, और जो वो कह रहे हैं भी अब टाइम जाने का है आपका आपने जाना है इसलिए अब आपसे दुआ करो, तो एक बात और याद रखो आज हल्की पुलिस बात जाना मैंने कि अगर एक नेकी खाली हर रोज बेहतर टी भी सही इजाफे की जाए तो आपके जिम्मे बहुत सारी नेकी लग सकती, एक बदी इजाफी तौर पर कम कर दी जाए तो आपकी जिंदगी वैसे भी बहुत
हजार हो जाएंगे, यानी कि बदी काम हो गई, नेकी बढ़ गई, फासले और ज्यादा हो गए, आप जो हकीकत के पास चलेगा। तो असल में आपको राज समझ आ जाए तो राज में बता देना टाइम नहीं, क्योंकि एक टाइम में ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीफ ये है कि मुसलमान बच्चा पैदा होते मर जाए तो जिंदगी है। कुछ लोग तो कहते हैं बाकी काफिरों के बच्चे भी जन्नती होंगे, हाँ, लेकिन हम मुसलमान की बात करते हैं। मुसलमान बच्चा है जिसका नाम गुलाम रसूल रखा हुआ है, पैदा हुआ, फौत हो गया, इंतकाल हो गया, जन्नती है। वही आदमी बड़ा हो गया, बड़ा हो गया अमल नेकी बदी करता, अब ज्यादा से ज्यादा उसको खतरा है। क्या मतलब, एक तो तरीका है कि पता कर क्या गलती हुई, दूसरा तरीका आसान बात कि उसी छोड़ हुई मंजिल में वापस आ जा, बचपन में वो तेरी मंजिल अपनी है, जैसे बच्चा था मासूम भोला भाला वैसे बदल गया, वो आपको दिखा रहे बचा हुआ है, वो जनती है बच्चा, तो बच्चा हो जा, बच्चे का सही ईमान पैदा कर ले, बच्चे की तरह ये बाकी भी पैदा कर ले, बच्चे की तरह लालच से बच जा, हिम्मत के साथ चल, माँ को माँ समझ, माँ पूरी कायनात है बच्चे के लिए, क्या कहा क्या कहा पूरी कायनात है, उसको पूरी कायनात बना, चाहे कबर मिले उसकी तभी पूरी कायनात बना, माँ के साथ लड़ते रहते हो झगड़ते रहते हो, तुम कौन इंसान पता नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आए नहीं आए, बोले माँ के साथ ये पूरी कायनात, बच्चे के साथ चलो, बच्चा जो है ना तमाम हेरा फेरिया हासिल करने के बाद अगर वापस बच्चा बन जाए इंसान तो समझो कि फिर बख्शिश आ गई, आगे कोई नया अमल करने के बजाय पिछला अमल करा दो। या पिछले बचपन में ये कहते ना मामू चाचा साहब से मोहब्बत कर खेलते थे, उनने से मर गए उनकी कब्रों के साथ मोहब्बत, मामा जान क्या हाल है आपका, वो डियर मामू तू भी कितने चले गए, अब आ मेरे सारा वाक्य फिर ठीक हुए। तो हम ऐसे देखे हमने कि ये भाई कौन रहा है बताना नहीं किसी को, बताओ एक आदमी बीमार है, अल्लाह ताला बीमार कोई ना बीमार है, तो दूसरा एक मौलवी है बीमार आदमी को कहता है वो बीमार है, अब हजार है अंदर परेशान है बीमार, वो कहता नहीं पड़ता, ये जो गुनाह है किसके जिम्मे लगेगा, तबलीग करने वाले कि तूने उस पर्सन की कैफियत नहीं देखी कि वो उस हालत में नहीं है, तो दूसरे की हालत देखे बगैर तबलीग करने वाला इतना ही वीरान आदमी जितना कि कोई और चीज, तो जब कभी तबलीग करो दूसरे की हालत देख कर मिजाज देख के करो, क्या ये रिसेप्टिव है, क्या है मिजाज रिसेप्टिव है, एक बच्चा है आपका बेटे समझो गुस्से में बरम गरम सर पे दो बच्चे अपने गुस्से बोल रहे तुम पास करो बच्चा मेरा कहना मान शायद ना माने, नॉर्मल करो। तो ये हम देखते आ रहे हैं कि बीमार को तबलीग करते हैं उसकी खाली बोतल में दवाई को नहीं डालता और वो तबलीग नहीं मानता, तो नतीजा जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है, बात समझ ये एक बड़ा फसाद है। दूसरा आपको ये बात समझाने वाली है कि ज़्यादा तबलीग की बजाय आपने अमल किया, अमल आपकी गिनती के अमल है, एक आप घर बनाते हो बहुत बड़ी कमाई करते हो, घर बनाना मकान बनाया और फिर उस मकान से अब ये बात भूल जाना क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता, उस बरात में उस मकान में आते हैं दुल्हन दूल्हे ये वो शादी और कुछ ऐसे के बाद निकलना शुरू होते हैं जनाब ये वो, और तुम टसे वास नहीं होते देखते रहते हो कि ये बात किसी आदमी को महसूस होती कि वन बाई वन एक एक करके तुमने रुख्सत कर दी सबको, तो रुख्सत हो जाना ये उनकी फितरत में लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि लोग रुख्सत हो जाएं और उनके साथ नेकी के वक्त में रहे, इससे पहले के लोग चले जाएं नेकी का, इससे पहले के साल आवाज लगाकर चला जाए उसको तो मतलब ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, समझ आ रही बात, आप लोग छोटी छोटी बातें आप करो, आपने जवानी को इधर तकलीर की, हाँ मैंने तकलीर करना मैं जानता था, मैं करना तो तबीयत नहीं जाती थी, एक फंक्शन था किसी जगह को बहुत जीवों की फंक्शन उसमें
तो मुद्दा यह है कि वहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचना है, कैसे क्या करेगा? हाँ, वो आदमी जो कह रहा है कि बड़े लोग बुजुर्ग माँ बाप उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये आदमी जो कहता है मैं अब बात नहीं कर रहा, तुझे समझ गया कि अब जान के दिमाग चल गया, ये आदमी पागल हो गया भाई। इतना बड़ा जब न कहते आप क्या रहते, क्या कहा? जो आदमी अपने माँ बाप को कहता है कि इनका दिमाग चल गया, वो आदमी पागल होकर मरेगा। फिर लेकर क्या नहीं कहना चाहिए था, लेकिन पागल ही हो गया। जो माँ बाप को कहता है क्या कहते हैं, जल्ले हो गए हमारी बात में। हालांकि वो नोबल हो गए, क्या हो गए? नोबल हो गए, करीब हो गए, आपकी जिम्मेदारी बन गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो दुआ किया करो, जब बड़े हो जाए माँ बाप, दुआ क्या किया करो कि या अल्लाह इन पर ऐसे रहमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझ पर। और एक बात याद रखना कि माँ बाप जो आज हैं वो क्यामत तक माँ बाप रहेंगे, चाहे तुम हेडमास्टर बन जाओ, वो फिर वह माँ बाप। तो जिस आदमी के अदब के रिश्ते न बदले वो आदमी नसीब वाला है। कहते इस आदमी के साथ तू झुक गया, कहते यदि मुझे पहली बात भाई। और उस आज कहते हैं देखो बेटे अभी तू इधर मुझसे बहुत ज़्यादा हासिल कर गया, बल्कि मुझे तुमसे कुछ फायदा देना चाहिए। उनका ये फायदा सारा चांदन तेरा ही है, मैंने क्या देना, बस आप मुझे दुआ दो मतलब। तो वो आदमी उस आदमी की वैसी करे। दूसरा बात समझाई मेरी, एक आदमी गलती से किसी का मुरीद हो गया, हसन साहब क्या कहा? गलती से मुरीद हो गए, मुरीद अच्छी तरह होते हैं, बड़ा खुश रहा गलती से मुरीद होगा। तो यहाँ बैठा ये महसूस करता रहता है गलती से मुरीद हो गया, यदि मैं छोड़ता नहीं सुना ऐसा, तो मुरीद हो गया। अब बात यह कि जो गलती से मुरीद हो गया, मुरीद हुआ वो अपने नसीब का, किसके मुरीद हो? और मंजिल उसकी अपना अल्लाह है। तो अगर पीर गलत भी हो जाए तो मंजिल सही है, मदद सही है। तो गोया के अपने बुजुर्ग जिसको बुजुर्ग कह दिया एक बार, उसको गैर बुजुर्ग कहोगे तो तुम फिर पागल हो जाओ। ये पागल नंबर दो है, क्या बुजुर्ग कहने के बाद गैर बुजुर्ग है। जिस तरह अगर बाप तुम्हारा झूठ बोल जाए तो फिर झूठा तो नहीं होते बाप है, क्या है उसका मुआवजा करे, उसका बाप जाकर तुम्हें क्या कर जाए, तू पुत्रा का तू को उसके ठेकेदार नहीं जा तू के जांच करके बात नहीं। तो अपने माँ बाप का मुआवजा ना करो। एक बंदे थोड़े रियाज करने वाला, रियाज किसे कहते हैं? गलती के बावजूद उसको गलत ना करो। मोहब्बत की तारीफ क्या है? मोहब्बत आवाज आ रही उसका बनाया सारे बंदा नहीं किसी को। मोहब्बत उस इंसान से होती है जिसकी खामी खामी न रहे। तुम्हारी निगाह में जिस आदमी की खामी खामी न रहे उससे तुम्हारी मोहब्बत है। मोहब्बत है वो क्या होती है? जिस आदमी के करीब रहना चाहो मोहब्बत होती है। कहने की बात नहीं है कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत हो गई है लेकिन मैं तेरे पास नहीं रहना चाहता, बकवास करते जा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? कहते आपसे बहुत मोहब्बत हो गया, ढेर ढेर मोहब्बत हो गया। कहते फिर बाहर गए आप, यहाँ रहो मैं कैनेडा में जाना है। एक कहानी सुन लो, तुम मुझे देर कर आओगे। वो गई शहर उधर, वो एक दफा ऐसा हुआ, एक बांधे थे अपनी बीवी से कहा कि भले मानस मैं आजकल बड़ा परेशान हूँ, क्यों स्कूल ने कल नहीं नसीब हो रहा, जिक्र भी करता हूँ स्कूल ने कल नहीं कभी बार क्या किया जाए? कहते मैं जलता हूँ पीर की खानगाह पे, उधर जाता हूँ सैर कर दूँ, तलाश करता हूँ स्कूल ने कल को। बीवी समझ गई कि तंग आया मेरे से, स्कूल की तरह कदम आ जा रहा है, कहती इतना नेक सफर है मुझे भी साथ ले चलो। कहते अल्लाह ने भेजे सुकून के ऊपर मैं इधर ही हूँगा। जब बीवी के साथ सुकून नहीं मिलता तो क्या गुजारा करना है? सुकून की तलाश में मानी है, सुकून की तलाश अपना नाम है, अपने रब का नाम है, अपने माहौल का नाम है, क्या है? अपने माहौल का, अपना नाम है सुकून, अपने रब का नाम है और अपने माहौल का नाम है। जिस शख्स को माहौल से तंगी हो किसी और जगह सुकून नहीं पाएगा। जो कहते नहीं जहाँ जंगा वहाँ भी जंगा, इसलिए ये बात कहा कि सुकून होता क्या है? सुकून मिलता नहीं है, सुकून देने से मिलता है। सुकून का तरीका है सुकून दो, किसी को सुकून दो, सुकून बर्बाद करने वाले को सुकून नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक हम कहते हैं लोगों को सुकून पहुँचाओ, लोगों के साथ नेकी करो, खैरखाई करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब एक और बात नोट करने वाली है बुनियादी तौर पर, अगर ये समझ रहे बात, एक बंदा से वो बहुत बारीक हिसाब करता है, हिसाब किताब कंप्यूटर लगाता है, ये करता है, लॉग रिथम करता है, ये करता है, कार खराब है, जिंदगी गुजार रहा है, परफेक्ट मैथमेटिशियन,
तो आखिरत जब आती है तो ये सारा शोभा को नहीं करता, कहते सुहा भाई कलमा, कहते कलमा तो टाइम नहीं मिले, मैं तो कंप्यूटर करता सारा बर्बाद कुल्लो हूँ। मकसद ये है कि मेहनत रह गां होने वाली इतना अख्तियार करो, ये देखो कि ये मेहनत क्या है, दुनिया की मेहनत को याद रखो कि ये पैसा कमाने की मेहनत है। किसकी है? पैसा किस लिए? कि वक्त गुजरता जाए, वक्त क्यों गुजरे? आगे अल्लाह के दरबार में बैठ, तो अगर ये मकसद बन जाए तो फिर सारा मकसद भूल जाओगे। एक आदमी ने कहा कि मैं जाना है हज करने, कुछ रहा कारखाना दुआ लगा हो जाए, कुछ दुआ की पीर साहब ने कारखाना लग गया, सात छः सात साल गुजर गए, जाते क्यों नहीं? एक आदमी मिल गया कारखाना चल पड़ा, उनको लाने भेजो कारखाने के ऊपर, तो फिर कारखाना टूट गया, आज कहते हूँ आज जाते हूँ, फिर पैसा को नहीं। ये है इंसान की हालत, पैसा न हो तो नेकी पे जाता है और पैसा हो फिर भी नहीं जाता, तो नेकी पे जाने वाले जो अंदर जिनके मिलान है नेकी का वो नेकी करते रहते। तो आप नतीजा निकालो, पैसा या गरीबी, नेकी के रस्ते में ना मुआवन है ना मुखालफ है। क्या बात समझाई? पैसा या गरीबी, नेकी के रस्ते में ना मुखालफ है ना मुआवन है, नेकी आजाद है फाइनेंशियल हालात से। ये बात याद रखो, क्या कहा? नेकी आजाद है फाइनेंशियल हालात से। और अगर नेकी की बात समझ जाती, किसी नेक का संगत कर लो, क्या कर लो? नेकी संगत कर लो, तो दुआ के अगर या अल्लाह सारी संगत नेक कर ले, तो संगत नेक होगी तो आप देखोगे या तो ना बैठो। देखिए मेरा ख्याल है आप लोग जादू कर रहे हो, मैं से बैठा रहा, तो दुआ करो, मैं नहीं बैठना, जाना है शादी पे, अल्लाह ताला दुआ करो डॉक्टर, सब लोगों का अल्लाह रहम करे, सब लोगों का हालात बेहतर हो, या अल्लाह साहब के घर में सुकून अता फरमा, एक दूसरे का एहतराम करना सीखे, या अल्लाह हमें अपने माहौल की तरफ शिकायत करने का मौका न मिले, या अल्लाह मेहरबानी फरमा हम अपने माहौल के शाकीन हों, या अल्लाह हमारा माहौल हमारी निगाहों में मंजूर हो जाए, हम इस माहौल को पसंद करें, हमें अपना बंदा बना कर रखे, या रब्बाना मेहरबानी फरमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।